हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि SSD कैसे लगाते हैं कंप्यूटर में। ये हमने 256 GB SSD मंगाई है अमेजोन से। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। ये इसका इनवॉइस है दोस्तों, 1880 रुपये की SSD आई है। 5 ईयर की इसकी वारंटी है दोस्तों। 256 GB है ये। इसका बॉक्स है दोस्तों, 5 ईयर्स की वारंटी है इसकी। देखिए दोस्तों, अब हम अपने CPU का पैनल खोल लेते हैं जिसमें हमने इसे इंस्टॉल करना है। इसके अंदर ये पहले से एक 500 GB की HDD लगी हुई है। इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हम SSD में विंडो इंस्टॉल करेंगे। ये जेब्रोनिक्स का G31 मदरबोर्ड इसमें लगा हुआ है। इसके अंदर कोई स्क्रू वगैरह इसके अंदर नहीं आया इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो एक बार हम इसे वैसे रख देते हैं। या एक स्क्रू हम यहाँ से निकाल लेंगे RDX में से, फिर हम इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पर लग जाएगी, ये यहाँ स्क्रू इसका लग के। सबसे पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये केबल अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा केबल लेनी पड़ेगी, लेकिन मैंने कंप्यूटर में इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखी है, एक्स्ट्रा केबल ला के बाज़ार से। ये 2 केबल हमारी इसमें लगेगी। चलिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये वाला हमारा प्लग यहाँ लगेगा। एक हाथ से लगेगा नहीं, दूसरे हाथ में लगाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये लग चुका है। और हमें इसका डाटा केबल लगानी है। ये भी हमने इसमें लगा दी है दोस्तों। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो इस तरह से, अगर आपके पास स्क्रू है तो। मेरे पास स्क्रू है नहीं तो मैं इसको एक बार इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, सीधा इसको इसके अंदर रख देता हूँ ऐसे ही। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें लगा दी है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ सिस्टम को। मैंने ऑन कर दिया इसको, स्क्रीन में इसे लिखा गया। अब हम इसकी पावर को ऑन करते हैं। अभी हमारा सिस्टम पुरानी हार्ड डिस्क पर ही ऑन होएगा, हमें इस नई SSD में विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद हमारी स्पीड इंक्रीज़ होएगी। तो एक बार हम इसे ऑन करके SSD को चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अमेजोन से दोस्तों मैंने इसे परचेज़ किया 1880 रुपये में। 5 ईयर की वारंटी है, 7 डेज़ की रिप्लेसमेंट वारंटी है। ये सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारी SSD वर्क कर रही है नहीं कर रही। मैनेज में जाएंगे,
जो हार्ड डिस्क है दोस्तों वो थोड़ा स्लो चलती है, लेकिन SSD जो है वो एकदम फास्ट चलती है। ये देखिए दोस्तों हमारी SSD इसने उठा लिया। अभी ये पूछ रहा है कि MBR के अंदर इसके रखना है या GPT के अंदर रखना है, डिवाइस पार्टीशन पूछ रहा है। तो हम इसे MBR में ही रख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों डिस्क ऑनलाइन लिखा है ना, डिस्क वन, ये वाली हमारी SSD है, अनलोकेटेड है। अभी हमें इसके अंदर विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। 256 GB में से हमें 238 GB फ्री मिलती है स्पेस। और ये हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है जो वो है 500 GB की। अब हमें इसके अंदर विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद ये वर्क करेगी। से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं SSD में विंडो करनी आपको बताऊंगा। अभी मेरे पास पेन ड्राइव नहीं पड़ी, मैं पेन ड्राइव ला के उसमें विंडो 7 इंस्टॉल करनी आपको बताऊंगा कि इसमें हम विंडो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं SSD में।